हेलो एवरीवन, इस वीडियो में हम क्लास 6 सब्जेक्ट साइंस की वर्कशीट 7 करने वाले हैं। डेट है इसकी 27 जुलाई 2021। और इसको स्टार्ट करने से पहले प्लीज़ हमारे चैनल माइंड बूस्टिंग क्लासेस को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज की वर्कशीट, जिसका टॉपिक है हु ईट्स हुम। वी सी डिफरेंट काइंड ऑफ प्लांट बर्ड इन एनिमल्स अराउंड अस। हम अपने आसपास अलग अलग प्रकार के प्लांट्स, बर्ड्स और एनिमल्स देखते हैं। सम ऑब्टेन देयर फूड बाय ईटिंग ईच अदर एंड सम बाय ईटिंग प्लांट पार्ट्स एज शोन इन द फॉलोइंग गिवन पिक्चर। तो कुछ जो एनिमल्स होते हैं वो तो एक दूसरे को ही खा लेते हैं, यानी जानवर जानवर को ही खा लेते हैं, और कुछ होते हैं जो कि प्लांट्स को खाते हैं। जो हर्बीवोरस होते हैं वो प्लांट्स को खाते हैं। तो इस फॉलोइंग गिवन पिक्चर में आपको ऐसा ही कुछ दिखा रखा है। देखते हैं हम लोग, यहाँ पर पहले सीड है। सीड को कौन खाता है? सीड को एक रट खाता है, चूहा खाता है, और फिर चूहे को खा जाता है सांप, और सांप को खा जाती है ईगल। तो इस तरीके से बता रखा है, पहले सीड है, सीड यानी प्लांट के सीड को रट खाएगा, रैट को स्नेक खाएगा, और स्नेक को एक ईगल खा जाएगी। तो इस तरीके से यहाँ पर इस पिक्चर में आपको बता रखा है। इन द गिवन पिक्चर, इस पिक्चर में सीड इज ईटन बाय, सीड किसके द्वारा खाया गया है? तो किसके द्वारा खाया गया है? देखिए, सीड को कौन खा रहा है अभी? रैट खा रहा है। तो सीड इज ईटन बाय रैट, रैट ने सीड खाया। उसके बाद रैट इज ईटन बाय रैट को कौन खा रहा है इस पिक्चर में? स्नेक खा रहा है, सांप, स्नेक। स्नेक इज ईटन बाय स्नेक को कौन खा रहा है? ईगल खा रही है। तो इस तरीके से ये क्या है, सो इट फॉर्म्स अ चेन। ये एक चेन बन रही है कि पहले सीड है, सीड को फिर रेड खा रहा है, फिर रेड को स्नेक, और फिर ईगल स्नेक को। तो इस तरीके से क्या बन रही है, एक चेन बन रही है। सो व्हाट यू हैव लर्न्ड हेयर, आपने इधर क्या पढ़ा? अ चेन और सीरीज ऑफ 3 एनिमल्स इज बीइंग फॉर्म्ड हेयर वेयर। यहाँ पर हमने देखा कि एक चेन बन रही है 3 जानवरों की। सबसे पहले रेड की, पहले रेड खा लेता है सीड को, और फिर रैट को खा लेता है स्नेक, मतलब रैट खाना बन जाता है स्नेक का, क्योंकि वो खा लेता है, और स्नेक खाना होता है ईगल का। तो इस तरीके से ये चेन फॉर्म हो रही है। दिस चेन वेयर ओनली वन लिविंग बींग्स बिकम्स द फूड और ऑफ अनदर लिविंग बींग इज नॉन एज फूड चेन। तो ऐसा चेन जिसमें एक जानवर या एक लिविंग बींग खाना बनता है दूसरे लिविंग बींग का, इस चेन को हम फूड चेन कहते हैं। अब यहाँ पर क्या था कि देखिए, रैट था, रैट खाना बना स्नेक का, तो रैट भी एक जीवित ही है, लिविंग बींग है, और रैट को स्नेक लिविंग बींग ने खा लिया, और स्नेक खाना बन गया ईगल का, ईगल भी एक लिविंग बींग है। तो इसको हम कहते हैं फूड चेन, जहाँ पर एक लिविंग बींग खाना बनता है दूसरे का, और दूसरा बन जाता है किसी दूसरे का। ये फूड चेन होता है, खाने का चेन। यहाँ हमने 3 एनिमल का चेन देखा, पहले रैट, उसके बाद स्नेक, उसके बाद ईगल। तो ये क्या है, फूड चेन है। और बच्चों देखिए, जो हमारा चैनल माइंड बूस्टिंग क्लासेस है, इस चैनल पर हर महीने के लास्ट हफ्ते में हम एक क्विज या फिर कंपटीशन करवाते हैं। लेकिन अब से हमने एक नया चैनल बनाया है, माइंड बूस्टिंग कंपटीशन। अब से जितने भी क्विजेस और कंपटीशन होंगे वो हमारे नए चैनल पर ही कर पाए जाएंगे, और हमारे सारे कंपटीशन फ्री होते हैं। उसी के साथ साथ आपको उनमें सरप्राइजेज और प्राइज गिफ्ट भी मिलते हैं। और हाल ही में हम एक कंपटीशन करवाने वाले हैं जिसका नाम है टैलेंट कंपटीशन। अगर आप टैलेंट कंपटीशन में पार्टिसिपेट लेना चाहते हैं और इसकी जानकारी जानना चाहते हैं, तो वीडियो की लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी। डिस्क्रिप्शन में जाइए और वीडियो को देखिए, ठीक है? और वीडियो में सारी इन्फॉर्मेशन है, तो ज़रूर पार्टिसिपेट कीजिएगा टैलेंट कंपटीशन में। आइए अब हम आगे बढ़ते हैं। आगे क्या है हमारा, देख लीजिए, क्वेश्चंस हैं जो आपको कॉपी में करने हैं। आइए, लेट्स हैव लुक ऑन द फॉलोइंग पिक्चर्स ऑफ डिफरेंट एनिमल्स एंड राइट द करेक्ट चेन शोइंग हु ईट्स हुम। तो यहाँ पर चेन आ जाएगा, चेन, CHAIN। तो हमें क्या करना है, यहाँ पर पिक्चर्स दे रखी हैं, पिक्चर्स देखकर आपको बताना है कि कौन सा एनिमल किसको खाता है। जैसे के लिए देखिए, ग्रास, जो घास है उसको कौन खा लेता है इन तीनों में से? लॉयन तो नहीं खाता घास को, डियर, डियर यानी हिरन, हिरन किसको खाती है? घास को खाती है। तो यहाँ आ जाएगा डियर, डियर, डियर को कौन खा लेता है? लॉयन खा लेता है, यानी शेर जो है वो हिरन को खा लेता है शिकार करके, है ना? तो इस तरीके से पहले घास है, घास को डियर खाएगा, डियर को लॉयन खाएगा। तो इस तरीके से फिल हो गया आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ट्राई टू मेक एटलीस्ट 2 मोर फूड चेन्स। ऐसे ही 2 फूड चेन आपको और बनानी है। तो इसके लिए मैंने बना दी है एक फ्रूट चेन, देखिए दोनों बना दिए हैं वैसे तो मैंने, कैरेट यानी जो गाजर होती हैं वो रैबिट खाता है, और रैबिट को कौन खा लेता है? फॉक्स यानी लोमड़ी खा लेता है, ठीक है? इसी प्रकार से ये तो हमारी
पहली फूड चेन है। दूसरी फूड चेन मैंने क्या बनाई है, देखिए ग्रास यानी जो घास होती हैं उनको ग्रास होपर खाता है ना, ग्रास को ग्रास होपर खाता है और ग्रास होपर को मेंढक यानी फ्रॉग खा लेता है। तो ये दो फूड चेन है, ऐसे चलता है, दोनों फूड चेन आप लिख लीजिएगा, ठीक है। और वर्कशीट हमारी फिनिश होती है, कैसी लगी ज़रूर बताइए, अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, थैंक यू।